सो हे मेरी जान, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आज के इस वीडियो में हम कुछ एपिक ऐप में कुछ इस टाइप का फोटो एडिट करना सीखेंगे। एंड गाइस, मैं आपको इस वीडियो में काफी हद तक नए नए टूल्स के बारे में सिखाऊंगा, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कम्प्लीट वॉच कर लीजिएगा और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आप इस ऐप के बारे में नहीं जान पाएंगे और इस टाइप का एडिटिंग भी नहीं सीख पाएंगे। सो गाइस, आपको करना कुछ नहीं, अगर वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करना ना भूले। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टू लेट गेट स्टार्ट। सो ओके गाइस, सबसे पहले आपको अपने यानी कि एपिक ऐप को ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट एडिटिंग पर टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि मैं अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि तो गाइस, जैसे कि मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड ओपन हो चुका है, सिंपली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। एंड सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि स्क्रॉल करते हुए आना है इस टाइप। एंड गाइस, आपको यहाँ पर साइड में ऐड फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर। सो सिंपली आप देख सकते हैं नीचे ऐड फोटो, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। एंड इसके बाद अपने मॉडल को यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके, सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अपने मॉडल को ऐड कर लिया है सिंपली, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर गाइस, अब जैसे कि आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको जो बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा। ओके, सो गाइस, जैसे कि सबसे पहले मैं अपने यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो फाइनल जैसे कि गाइस, हमारा मॉडल तो यहाँ पर ऐड हो चुका है सिंपली। एंड अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली गाइस यहाँ से जो ऊपर आपको मर्ज कर लेना है। ओके, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर टैप कर इसको यहाँ से मर्ज कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मर्ज कर लेता हूँ इसको, तो आपको मर्ज ऑल पर टैप कर देना है। ओके, सो गाइस, जैसे कि हमारा फोटो जो यहाँ पर मर्ज हो चुका है सिंपली। एंड अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली गाइस आपको स्क्रॉल करते हुए आना है इधर। एंड यहाँ पर आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर एडजस्ट, तो आपको एडजस्ट पर टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है गाइस, सिलेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ये तो आपको सिलेक्टिव सेव करके पहले तो आपको जूम कर लेना है, फिर आपको जो कुछ इस टाइप से जूम करके अपने सिलेक्टिव ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है कुछ इस टाइप से, अब जैसे कि हमारा यहाँ पर इतना सम क्या है कि अपने फेस की लाइट बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो आपको जो ब्राइटनेस पर आ जाना है और यहाँ से इसकी जो लाइट इंक्रीज कर लेनी, जैसे कि मैं इतनी कर लिया हूँ सिंपली। एंड फिर आपको यहाँ से क्या करना है कि डन कर लेना है। ओके, सो गाइस, हमारा ये हो जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, अपने फेस को जो यानी कि स्मूथ करने वाले हैं यहाँ पर। सो गाइस, आपको स्क्रॉल करते हुए आ जाना है यहाँ पर। एंड फिर आपको जो गाइस यहाँ पर पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर, सो यहाँ पर आपको टैप करना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर स्किन पर टैप करना है। ओके, सिंपली स्किन पर टैप कर देना है। फिर जो गाइस स्किन पर टैप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो आपको स्किन यहाँ पर स्मूथ दिख जाएगा, तो स्मूथ पर टैप करना है। फिर आपको इसको जो एक बार फुल कर लेना है। ओके, सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना तगड़ा यहाँ पर फेस स्मूथ हुआ है अपना। एंड फिर आपको जो है स्किन टोन है ना, तो स्किन टोन को यहाँ पर आपको थोड़ा सा नहीं यहाँ पर फुल कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इतना सा 17%। फिर आपको जो गाइस यहाँ से क्या करना है कि इस तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। एंड फिर आपको यहाँ पर गाइस दिख जाएगा स्मूथर। ओके, स्मूथर दिख जाएगा यहाँ पर आपको सिंपली गाइस। सो अब आपको स्मूथर पर टैप करना है। एंड यहाँ पर जैसे कि आपको इस टाइप के कर लेना है। ओके, सो गाइस देखिए काफ़ी तगड़ा यहाँ पर फेस स्मूथ हुआ है अपना। एंड अब जैसे कि यहाँ पर को जहाँ पर भी रह रहा हूँ ना, तो आपको मैनुअल पर टैप करना है सिंपली। एंड यहाँ पर आपको जो क्या करना है, स्मूथर को सिलेक्ट कर लेना है वापस। सो गाइस जैसे कि ये रहा। एंड अब यहाँ पर आपको जैसे कि जहाँ पर भी रह रहा हो, सो गाइस वहाँ पर आप कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। सो गाइस ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, स्किन टोन पर आना है। एंड सिंपली इसकी जो और आपको जो क्या करना है, 10 को बढ़ा लेना है सिंपली। एंड इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है गाइस, यहाँ से डन कर लेना है। सो गाइस इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपको जो गाइस यहाँ पर मेकअप वाला ऑप्शन दिख जाएगा, सो माय मेकअप पर टैप करना है आपको सिंपली। एंड यहाँ पर जैसे कि पिंक टोन पर टैप करेंगे हम। एंड यहाँ से अपने लिप्स की जो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेचुरेशन इंक्रीज कर लेने, जैसे कि यहाँ पर 0%, तो मैं यहाँ पर 100% कर लिया हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो अपने लिप्स पर किस प्रकार तगड़ा वाला कलर आ चुका है सिंपली। यहाँ से आपको डन कर लेना है। ओके, फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर वापस आ जाना है एडजस्ट वाला ऑप्शन पर। ओके, सो गाइस आपको यहाँ पर दिख जाएगा एडजस्ट। सो गाइस एडजस्ट पर टैप करता हूँ सिंपली मैं यहाँ से। फिर आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर HSL, जी गाइस यहाँ पर कलर वाले टूल पर टैप करना है। यहाँ पर सिंपली HSL पर टैप करने के बाद आपको ग्रीन टोन है ना, तो इसकी सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेनी है। एंड जो गाइस ब्लू कलर है, तो इसकी सिचुएशन भी इंक्रीज। एंड इसके बाद हम येलो कलर है ना, तो इसकी सिचुएशन भी इंक्रीज करेंगे। फिर जो गाइस अपना फेस कलर टोन यानी कि ऑरेंज कलर टोन है, तो इसकी सिचुएशन माइनस। एंड जो गाइस इसका लैमिनेस को इंक्रीज करेंगे। ओके, फिर जो गाइस हमारा रेड कलर है ना, तो इसकी रेड कलर की सिचुएशन को भी इंक्रीज करेंगे। एंड सिंपली यहाँ से मैं क्या है कि डन कर लूँगा। ओके, फिर आपको इधर स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। एंड यहाँ पर अब क्या करना है कि गाइस आपको सिंपली जो गाइस इसका
यहाँ पर जो गाइस विग्नेट है ना, तो विग्नेट को हम थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेंगे। फिर जो गाइस आपको ये हो जाने के बाद, अब यहाँ पर आप अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कितना तगड़ा यहाँ पर फोटो एडिटिंग हो चुका है सिंपली। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सीख गए होंगे सिंपली इस टाइप का फोटो को एडिट करना, सीख गए तरह वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय, टेक केयर।